पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सोच्चा जानई कल्याणम, सोच्चा जानई पावगम, उभयम्पि जानई सोच्चा, जं छेयम तं समायरे। हमारे पास पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं, उनमें एक है श्रोत्रेन्द्रिय, जिसके द्वारा हम सुनते हैं। श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा अनेक जानकारियां आदमी को, प्राणी को प्राप्त होती हैं। साधुओं का, गुरुओं का, चारित्रात्माओं का प्रवचन होता है और तीर्थंकरों की देशना होती है और वह कलना तिथि बनती है। श्रोता उसको सुनते हैं और सुनने से कितना ज्ञान प्राप्त हो सकता है, आदमी के जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित हो सकती है, इसलिए सुनना भी अच्छा है। सवणे नाणे बिन्नाणे, साधु संतों की परियुपासना करने से, श्रमण माहणों की परियुपासना करने से 10 लाभ बताए गए हैं। पहला लाभ है कि श्रवण सुनने को मिलता है। कभी कभी एक बात आ सकती है सुनने में कि प्रवचन सुनते तो हैं पर जीवन में उतरता नहीं है, तो सुनने का क्या लाभ हुआ। इतने लोग सुनते हैं पर जीवन में नहीं आता है, सुनने से क्या लाभ हुआ। यह वाक्य, यह बात कभी कभी आपने भी सुनी हो, हमने भी कभी सुनी हो कि सुनते हैं पर जीवन में नहीं उतरता है तो सुनने से क्या लाभ होता है। इस बात पर हम विचार करें और ध्यान दें कि लाभ का अपना अपना भाग हो सकता है। इतना लाभ, इतना लाभ, कितना लाभ। कोई आदमी सुनता है एक घंटा किसी साधु का प्रवचन, कोई आदमी सुनता है, साधु त्यागी है, संयमी है और ज्ञान की, अध्यात्म की बात बताने वाला है, जैसे आप लोग हैं अभी यहाँ बैठे हैं और बहुत से लोगों के सामायिक भी संभवतः है अभी है, और हम लोग चारित्रात्मा व्याख्यान प्रवचन कर रहे हैं, करते हैं। पहले हमारे मुनि जी बोले होंगे, बोले ही थे और अब मैं बोल रहा हूँ। तो ये हमारा बोलना जो होता है, तो आप हमारे श्रोता हैं, मान लो आप सुनते हैं। अब देखिए, एक घंटा अनुमान कल्पना कर लें, अगर आप सुनते हैं तो 24 घंटों में से आपका एक घंटा तो सफल हो गया। जीवन में कितना आएगा वो बाद की बात है, एक घंटा तो आपने सुना है, आपका मन अच्छी तरह इसमें लगा हुआ है,
तो एक घंटा कितना आपका शुद्ध भावों में, शुद्ध भावों में बीत रहा होगा या बीतेगा। तो यह भी अपने आप में लाभ ही है कि 24 घंटों में एक घंटा शुद्ध भावों में बीत जाए, यह भी एक लाभ ही होता है। पहला लाभ हुआ कि देखिए आप एक घंटा सुना तो एक घंटा कितना आपका शुभता में बीता है या बीतेगा, यह पहला लाभ। दूसरा लाभ देखिए, अगर आप एक घंटा दो घंटा यहाँ चारित्रात्माओं के सामिप्य में बैठे हैं तो कितने सांसारिक कामों से आप बचे हुए हैं। अगर आप घर में होते, ऑफिस में होते, सांसारिक काम आपका बिजनेस धंधा पारिवारिक काम लेन देन आदि आदि सावध्य कार्यों में भी आपका समय बीत सकता था, पर चारित्रात्माओं के नैकट्य में होने से आप कितने सावध्य कार्यों से यहाँ बच गए हैं। ये आपका दूसरा एक हानि का न होने का क्रम बन गया। अब तीसरी बात देखिए, यहाँ आप मान लो सामायिक में हैं तो आपका सावध्य योग का त्याग हो गया, तो एक मुहूर्त जितना भी आप करेंगे आपका सावध्य योग का त्याग व्रत में आपका यह समय बीत रहा है, यह आपको तीसरा एक और लाभ मिल गया। चौथा लाभ देखिए, आप सुनते हैं तो सुनने से कई बार कोई नई जानकारी आपको मिल सकती है और कोई पुरानी सुनी हुई बात है वो और पुष्ट हो सकती है। अभी पहले भी यह बात सुनी थी, आज फिर सुनी है, तो पहले अमुक से सुनी, आज अमुक से सुनी, तो बात काफी पक्की लग रही है कि अनेकों से हमने यही घटना इस प्रकार ही सुनी है। तो सुनने से ज्ञान मिलता है, जानकारियां बढ़ती है। इसके बाद हम देखें कि सुनने से कई बार आदमी को अपनी समस्या का समाधान भी प्रवचन आदि के माध्यम से मिल सकता है कि मेरी यह समस्या है, मैं सोचता था कभी किसी को पूछूंगा, आज अनायास प्रवचन में वह बात आ गई और मेरी जिज्ञासा का, मेरी समस्या का समाधान मिल गया। अब आदमी बार बार सुनता है तो सुनते सुनते फिर कई बार जीवन में भी परिवर्तन परिष्कार हो सकता है, और कई बार तो सुनते सुनते वैराग्य भाव जाग जाए, इतना भी लाभ मिल सकता है। और ठीक है, आज की बात आपके जीवन में आज नहीं भी आई, एक साल दो साल पाँच साल बाद सोचेंगे वो बात हमने उस दिन सुनी थी, अब वो बात मुझे जीवन में लागू करनी चाहिए, प्रयोग में लानी चाहिए। तो कब की सुनी हुई बात कब आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने वाली भी सिद्ध हो सकती है। तो यों यह प्रवचन का सुनना भी अपने आप में यों सामान्यतया अच्छा है, जीवन में कितना उतरेगा वो बाद की बात है, कम से कम सुनेंगे जानेंगे तो जीवन में उतरने की बात ज़्यादा हो सकेगी, सुनेंगे ही नहीं जानेंगे ही नहीं तो जीवन में क्या उतरेगा और क्या कितना आएगा। इसलिए शास्त्रकार ने जो कहा है कि सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम, आदमी सुनकर के कल्याण को जान लेता है, सुनकर के पाप को भी जान लेता है, अच्छा और बुरा दोनों को जान लिया। दोनों को जान लेने के बाद आदमी यह प्रयास करे कि जो अच्छा है, श्रेय है, कल्याणकारी है, उसका मैं जीवन में आचरण करूं। तो आचरण करने से और बहुत बड़ा अच्छा लाभ मिल सकता है। तो यह कान का प्रयोग हम अच्छी बात सुनने में करें। संस्कृत में कहा गया
श्रोत्रम श्रुते नैव नतु कुंडलेन। यह श्रोत्र कर्ण कान है, वो कुंडल से इतना शोभायमान नहीं होता। श्रुत अच्छी बात को सुनने से, ज्ञान ग्रहण करने से श्रोत्र की, कान की शोभा होती है। तो यह सुनने की शक्ति जिनको प्राप्त है उन्हें यह ध्यान देना चाहिए, कितने मनुष्य ऐसे होते हैं जो ठीक तरह सुन नहीं पाते, बहरे होते हैं या श्रवण शक्ति बहुत कमजोर हो गई है। तो कितने लोग सुन भी नहीं पाते अच्छी तरह, तो जिनको श्रवण शक्ति अच्छी प्राप्त है वे यह सोचें कि मैं अपनी श्रवण शक्ति का बढ़िया उपयोग करूं। और साधु सन्यासी संत लोग उपदेश के द्वारा आदमी के जीवन में परिष्कार लाने का भी प्रयास करते हैं, कर सकते हैं। दुनिया में संत हैं कि संत भी वैसे बहुत हैं कि कम से कम 2000 करोड़ साधु, हमेशा दुनिया में 2000 करोड़ से भी ज्यादा साधु यानी चारित्रात्मा हमेशा दुनिया में रहते हैं। भारत की आबादी से कितने ज्यादा साधु पूरी सृष्टि में आश्रय होते हैं। तो साधु इतने दुनिया में हैं, ये मानो दुनिया का भाग्य है कि साधु संत जहाँ रहते हैं, साधु संत विचरते हैं, वो एरिया अपने आप में कितनी बढ़िया है जहाँ साधु चारित्रात्माओं का वितरण हो, प्रवास हो, और कितनों को चारित्रात्माओं के सान्निध्य से लाभ प्राप्त हो सकता है। इतने व्यक्ति दीक्षित होते हैं, उनको भी कईयों को चारित्रात्माओं से प्रेरणा मिलती होगी, तब वे दीक्षा के लिए, साधु बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। दीक्षा के लिए तैयार होने में चारित्रात्माओं का भी संभवतः बड़ा योगदान होता है, और भी कोई निमित्त वैराग्य प्राप्ति में बन सकते हैं। हमारे धर्म संघ में भी छोटी उम्र के बालक भी कितने दीक्षित हुए हैं। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी जीवन के 12वें वर्ष में ही संत बन गए थे। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जीवन के 11वें वर्ष में ही संत बन गए थे। और भी कितने कितने चारित्रात्मा बालावस्था में साधु बने हैं। तो कोई गुरुओं का सान्निध्य मिला, चारित्रात्माओं का और का सान्निध्य मिला, या और कोई निमित्त मिला कि भीतर एक वैराग्य की भावना जाग जाती है और आदमी साधु बन जाता है। मृगसर कृष्णा तृतीया गुरुदेव तुलसी की मासिकी पुण्यतिथि भी है, और गुरुदेव तुलसी एक संत पुरुष जो बालावस्था में हमारे धर्म संघ में परम पूज्य कालूगणी के द्वारा दीक्षित हुए थे, संत बने थे, और करीब 11 वर्षों का सान्निध्य कालूगणी का गुरुदेव तुलसी को प्राप्त हुआ, और करीब 22 वर्ष की उम्र में तो वे हमारे धर्म संघ के अनुशास्ता बन गए थे, आचार्य बन गए थे। इतनी छोटी उम्र में आचार्य बन गए, हमारे धर्म संघ का आज तक का यह रिकॉर्ड है, कीर्तिमान है। एक आचार्य तुलसी ही थे जो इतनी छोटी उम्र में, करीब 22 वर्ष की उम्र में हमारे धर्म संघ के आचार्य बन गए। इस रिकॉर्ड को कोई आज तक तोड़ा नहीं जा सका। और छोटी उम्र में संत भी बने और
छोटी उम्र में यानी 22 वर्ष करीब अवस्था में आचार्य बन गए और लंबा आचार्य काल और गणाधिपति काल दोनों को मिला लें तो लगभग उनका वो एक प्रलंब 61 करीब करीब वर्षों का उनका आचार्य - गणाधिपति काल रहा और उन्होंने एक धर्म संघ का नेतृत्व किया, अनुशासित्व किया और न केवल धर्म संघ की सेवा की, एक जैन शासन के लिए भी कार्य किया, यह आगम संपादन जैसा कार्य और भी जैन एकता की दृष्टि से कार्य। भगवान महावीर की 25वीं निर्वाण शताब्दी के समय दिल्ली में सन 1974 में भी आचार्य श्री ने चतुर्मास दिल्ली में ही किया था और भगवान महावीर की 25वीं निर्वाण शताब्दी में भी वे दिल्ली में रहे थे और अनुव्रत जैसा कार्यक्रम उन्होंने चलाया। तिरक्षा, ध्यान, जीवन विज्ञान, कितने उपक्रम चलाए और कितनी यात्राएं उन्होंने की। आचार्य श्री तुलसी ही थे आचार्यों में जो सबसे पहले मुंबई पधारे थे। उनसे पहले कोई भी आचार्य श्री, उनसे पहले कालुगणी प्रवर्तक कोई भी आचार्य श्री, मैं भूल न करूं तो मुंबई में कोई नहीं पधारे थे। वे सबसे पहले मुंबई भी पधारे, दक्षिण भारत की भी यात्रा की, उधर कोलकाता भी पधारे। वो हमारे धर्म संघ के पहले आचार्य थे जिन्होंने इतनी कोलकाता, दक्षिण भारत, इधर मुंबई, इतनी यात्राएं की और भी कितने प्रांतों में पधारे थे वे। इन्होंने एक ये यायावर, इतने महान बड़े यायावर रहे, कितनी जगह वो पधारे थे, कितनों को उन्होंने दीक्षित किया, कितनों को शिक्षित किया, कितनों को विकसित करने का मानो उन्होंने प्रयास किया और कितनों को ज्ञान दिया। वे एक उपाध्याय की भूमिका कह दें, प्राध्यापक की, अध्यापक की भूमिका भी अदा करते। कितनों को उन्होंने पढ़ाया है, सिखाया है, ज्ञान दिया है और प्रवचन के माध्यम से जनता को भी और बातचीत के माध्यम से जनता को भी कितना उन्होंने मानो एक लाभान्वित करने का, धनोद्धार करने का प्रयास किया था। और गुरुदेव तुलसी के जीवन में कितने संघर्ष आए थे। आज उनकी ये मासिकी पुण्यतिथि का जो प्रसंग है तो हम याद करें कितने संघर्ष उनके जीवन में आए, कितना विरोध उनका हुआ और तेरा पंथ धर्म संघ के अंदर से भी कुछ संघर्ष उठे तो बाहर से भी संघर्ष आए, विरोध हुए। वो रायपुर का चतुर्मास, चूरू का चतुर्मास और भी कभी दीक्षा का विरोध, कभी ऐसे कितने प्रसंग उनके जीवन में आए थे। और उन्होंने यह पंजाब की जो समस्या थी, संत लोंगोवाल से आचार्य श्री ने बातचीत की। मेवाड़ में जब आचार्य श्री आमेठ में चतुर्मास जब था विक्रम संवत 2042 का, तब संत लोंगोवाल, सुरजीत सिंह बरनाला, ऐसे वो लोग वहाँ आमेठ में, वहाँ तेरा पंथ भवन में आए थे, गुरुदेव से मिले थे और ये पंजाब समस्या की, पंजाब समझौता और की बातचीत चली। और संत लोंगोवाल जैसे व्यक्ति को भी उन्होंने मानो प्रभावित हो गए, एक प्रभावित कर दिया कि उन्होंने भी गुरुदेव तुलसी की बात को महत्व दिया कि यानी समझौते के प्रयास संबंधी बात। तो ये राजीव लोंगोवाल समझौता और जो भी, तो आचार्य श्री तुलसी ने एक राष्ट्रीय देश की समस्या के संदर्भ में भी एक मानव प्रयास कह दें, कार्य कह दें। इस प्रकार कितनी बार दिल्ली में पधारे, कितने राजनेताओं से मिलना हुआ, कितने राजनेता उनके पास आते। जब बहुत पहले गुरुदेव तुलसी विक्रम संवत संभवतः 2032 के आसपास की बात होगी या 32 की ही होगी, लाडनू में थे, उपराष्ट्रपति बी डी जत्ती, वे लाडनू आए थे,
उपराष्ट्रपति थे वे, तब लाडनू आए थे और मुझे याद है तब गुरुदेव वो साधुओं का जो सेवा केंद्र है उसमें विराजे हुए थे। तो जत्ती जी ऊपर वहाँ पेड़ियाँ ऊपर वहाँ गुरुदेव के पास आए थे, गुरुदेव के यहाँ सामने यहाँ बैठे थे, यह मुझे स्मृति हो रही है। शंकर दयाल जी शर्मा वो भी लाडनू आए थे, वो जब उपराष्ट्रपति थे तो मुनि दिनेश जी को भी याद होगा, वो थोड़ी बाद की बात है, जैन विश्व भारती में उपराष्ट्रपति काल में शंकर दयाल जी शर्मा भी आए थे। हाँ संथारो सिंह और मोरारजी भाई देसाई भी जैन विश्व भारती लाडनू में आए थे। कितने राजनेता गुरुदेव के, राजीव गांधी अनुव्रत भवन में दिल्ली में गुरुदेव से मिलने यो आए थे, प्रधानमंत्री थे तब वो आए थे। क्यों कितने कितने व्यक्ति आचार्य श्री तुलसी के संपर्क में आए, कितनी बार दिल्ली में वे पधारे, दिल्ली में चतुर्मास किए, कितना संपर्क उनका राजनेताओं से भी रहा था। और राजनीति में भी मानो वे राजनेता भी साधुओं के संपर्क में आए, उनको कुछ कुछ सुझाव, कुछ एडवाइस, कुछ गाइडेंस मिले, तो राजनीति में और ज़्यादा शुद्धता की बात भी हो सकती है। तो यह मासी की पुण्यतिथि गुरुदेव तुलसी का उसका प्रसंग, तो गुरुदेव तुलसी ने अपने जीवन में जो जनोद्धार का कार्य किया है और अध्यात्म का, धर्म का, नैतिकता का, इधर अपने आगमों के ये संपादन का जो कार्य जो चला है, आगमों का टेक्स्ट मूल पाठ का संपादन, अनुवाद, टिप्पण और कितने कितने काम, और महाप्रज्ञ जी प्रवर जैसे उनको सहयोगी मिले, उनको उत्तराधिकारी मिले, और आचार्य श्री तुलसी तेरा पंथ के एकमात्र आचार्य हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में आचार्य पद का विसर्जन कर दिया। आज तक के इतिहास में वे पहले एक ही आचार्य हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में आचार्य पद का विसर्जन कर युवाचार्य श्री को आचार्य पद सौंप दिया, प्रदान कर दिया। तो ये गुरुदेव तुलसी के जीवन की अनेक बातें हैं और हमें गुरुदेव तुलसी के चरणोपपात में रहने का मौका मिला और उनसे कुछ मानो समझने का, सीखने का, जानने का मौका मिला। और कितने कितने कार्यकर्ता जो श्रावक लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, कितनों को गुरुदेव तुलसी से प्रेरणा, प्रोत्साहन, दिशा निर्देश, तुमको यह काम, तुम यह काम करो, कितनों को जो भी किस किस रूप में प्रेरणा और कृपा भाव प्राप्त हुआ। अनेक अनेक कार्यकर्ता तेरा पंथ के सिवाय भी अनुभूत के संदर्भ में कितने कार्यकर्ता जो अनुभूत से जुड़े होंगे और नैतिकता अनुभूत इस दृष्टि से गुरुदेव के पास आकर वो इस क्षेत्र में आगे बढ़े होंगे। तो ऐसे अनेक उपक्रम हैं जो गुरुदेव तुलसी से जुड़े हुए हैं और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो उनके उत्तराधिकारी थे, जीवन में कितना उनका साथ रहा, वो गुरुदेव तुलसी के किस प्रकार साथ रहे, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कंधे से कंधा मिलाकर वो, मानो ऐसे ही महाप्रज्ञ जी गुरुदेव, मानो गुरुदेव तुलसी के कंधे से कंधा मिलाकर संघ में इतने इतने नए नए परिवर्तन, नए उन्मेष चीजें आई है। तो संभवतः मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर का भी बड़ा एक सहारा, सहयोग गुरुदेव तुलसी को संभवतः मिला, फिर तो वो युवाचार्य बन गए, फिर आचार्य भी बन गए थे। तो आचार्य श्री तुलसी का शिष्यत्व हमें प्राप्त हुआ था, फिर गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का शिष्यत्व हमें, मुझको या हमें भी कह दें मिला था। तो आज वो जो मासी की पुण्यतिथि गुरुदेव तुलसी कृष्णा तृतीया और मृक्षर कृष्णा तृतीया, तो गुरुदेव तुलसी के द्वारा जो हमें कुछ मिला हो या उनकी जो आत्मकथा भी है, मेरा जीवन मेरा दर्शन, उसको पढ़ने से भी बहुत सी जानकारियाँ, प्रेरणाएँ संभवतः
प्राप्त हो सकती हैं। हम कान से अच्छा सुने, आँख से अच्छा देखें और जीवन में आगे बढ़ने का, अध्यात्म की आराधना करने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान सिठम अभय प्रयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वजंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।